किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थी? थी जो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस इतना आनंददायक रहा कि उसको जीवन भर हम नहीं भूल सकते हैं। आप पवन कुमार सिंह की बात कर रही हैं? जी, भोजपुरी को या यूपी बिहार के लोगों को लोग बहुत अस्तरहीन समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। भोजपुरी को बहुत गंदा समझते हैं। भोजपुरी को आई मीन भोजपुरी फिल्मों को लोग समझते हैं कि यार लहंगा और चोली है दैट मींस भोजपुरी है, आइटम सॉन्ग है दैट मींस भोजपुरी है। बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट एंड भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह इज विद अस टू टॉक अबाउट हर न्यू इनिंग्स इन द कॉन्ट्रोवर्शियल हाउस। अक्षरा, वेलकम टू spotboy.com। नमस्ते। नमस्ते। सो अक्षरा, सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके की फीलिंग्स हैं घर के अंदर जाने के लिए? घर के अंदर जाने के लिए एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, अच्छा, बहुत सारा मिक्स्ड है। वो सारे अलग अलग भाव आ रहे हैं वैसे क्योंकि बहुत आपका समय कम है। वैसे आपका जो प्रोमो था उसमें हमने देखा कि आप कह रही हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं उन्हें जवाब देने जा रही हैं आप। सो किस बदनामी की बात कर रही थी आप और किस तरीके से जवाब देने का इरादा है? भोजपुरी को या यूपी बिहार के लोगों को लोग बहुत अस्तरहीन समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। भोजपुरी को बहुत गंदा समझते हैं। भोजपुरी को आई मीन भोजपुरी फिल्मों को लोग समझते हैं कि यार लहंगा और चोली है दैट मींस भोजपुरी है, आइटम सॉन्ग है दैट मींस भोजपुरी है। नो, नॉट एट ऑल। आप एक जो मिथ्या बना हुआ है उस चीज को तोड़ना चाहती हूं मैं कि भोजपुरी में भी क्लास के लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं। यूपी बिहार में भी, यूपी बिहार से आईएएस बन के निकलते हैं लोग और आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं लोग, तो क्यों इस तरीके का छोटा बनाना? तो ये एक मिथ्या को मैं तोड़ना चाहती हूँ और ये माइंडसेट जो है लोगों का, ये गलत है। जी तो हम देखेंगे आपकी, अगर किसी ने इंडस्ट्री को लेकर कुछ टिप्पणी की या कुछ दिया कुछ कहा तो शायद बहुत उनके लिए मुश्किल होगा आपसे बहुत बहुत मुश्किल होगा, फिर तो उनका जीना आराम कर देंगे हम। अच्छा अक्षरा, ये बताइए कि आपने ये भी कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैं स्क्रीन पर जबरदस्ती रोमांस करती हूँ, क्या क्यों ऐसा? वो कहते हैं ना, रोमांस के लिए लोग जबरदस्ती मेरा नाम जोड़ लेते हैं। अक्सर अच्छा, अक्सर हम देखे हैं कि किसी के साथ काम कर लिए, अरे इसके साथ उसका चक्कर होगा। किसी के साथ फिल्म कर लिए, गाना कर लिए, अरे इसके साथ तो उसका रोमांस होगा। अरे यार, हमसे भी तो पूछ लो कि किससे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं कि जो भी खबरें आई थी आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनमें से किसी में कोई सच्चाई थी? किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थी? थी तो थी जो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस इतना आनंददायक रहा कि उसको जीवन भर हम नहीं भूल सकते हैं। तो उन जी सारी, आप पवन कुमार सिंह की बात कर रही हैं, नहीं, तो अब क्या स्टेटस है? अब आ गई हैं आप उन सारी चीजों से बाहर जो भी कुछ हुआ था आप लोगों के बीच? बाहर एज इन जी बहुत समय पहले। अच्छा, कंप्लीटली बाहर है उन सारी चीजों से। घर में और क्या कुछ करने वाली, किस तरीके से एंटरटेन करने का इरादा है? घर में हम फुल ऑन एंटरटेनमेंट हम खुद ही हैं और रियल जो हम हैं वही बन के रहना चाहते हैं। और आई थिंक इससे बड़ा एंटरटेनमेंट और लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। बिंदास भी हैं, मस्ती खोर भी हैं, डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं और रिलेशन बनाना भी अच्छा आता है, तो बहुत जल्दी जलप हो जाते हैं। आई थिंक ये सब कामगर रहेगा। शो के जो होस्ट हैं करण जौहर, वो फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाले हैं शो को, तो उस बात को लेकर एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है कि किस तरीके के होस्ट डेफिनेटली होने बहुत वाले हैं? एक्साइटमेंट है कि उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा एक बड़े लेवल पे, और वो खुद भी बहुत कलरफुल हैं तो हमारा शो भी बहुत कलरफुल होगा। हाँ, वैसे ये जी बताइए अक्षरा कि जो मेन मकसद था आपका इस शो से जुड़ने का, वो क्या रहा है?
मेन मकसद एज एन ऑफर आया और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम बिग बॉस करें, तो हमने हाँ बोल दिया। अच्छा, आप पर्सनली कितना पसंद करती हैं शो को? पर्सनली तो हम नहीं पसंद करते हैं, पर्सनली मतलब फॉलो नहीं किए कभी, तो इसलिए इस बारे में बता नहीं सकते हैं ज्यादा। अच्छा, आपने कभी बिग बॉस नहीं देखा है? बिग बॉस नहीं, कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि खुद ही काम धाम भाग दौड़, बॉम्बे की लाइफ आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल, तो इसलिए उसमें कभी समय नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत देखा जाना उससे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगता है मुझे। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी सारे लोग इस शो का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, उनमें से कुछ आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे बातचीत की आपने आने से पहले? रवि किशन जी से बात हुई, मेरे गुरु हैं, और उनसे बात हुई, बहुत सारे टिप्स उन्होंने दिए, बहुत कुछ समझाया। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत मददगार रहेगा। अच्छा, किस तरीके के टिप्स दिए, अगर आप डिस्क्लोज कर सकें? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ तो कहा होगा ना कि इन इन चीजों से थोड़ा बच के रहना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला बस तुम जो हो वो तुम बन के रहना। तो आप अक्षरा की तरह रहने वाली हैं? जी, जो हम हैं हम रियली रहने वाले हैं, कुछ इसमें अलग नहीं होगा। वैसे अक्षरा, अगर जिनको आप पसंद नहीं करती हैं उन्हें भी आपके साथ इस घर में अगर कैद कर दिया जाए, क्योंकि आपको भी शायद नहीं पता होगा कि और कौन कौन आ रहा है, तो किस तरीके से आप डील करेंगे उस सिचुएशन को? जो मेरे लिए मायने नहीं रखता है उसको मैं मेरे सामने रहकर भी वो मेरे लिए नहीं है। ऐसा मैं अपने असल जीवन में भी करती हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कौन है कौन नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच।